चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब लिखा रहे हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? किन किन बातों पर निर्भर करती है? आंसर में लिखिएगा, एक लेंस की फोकस दूरी किन किन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है? निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है? शांत करो नील का। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है? डैश देखे पहले लिखिएगा, फर्स्ट नंबर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, डैश देखिए फर्स्ट में लिखेगा, लेंस के पृष्ठों की, दो पृष्ठ होता है ना इसलिए पृष्ठों लिखाए हैं, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर दूसरा नंबर लिखेगा, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दूसरा नंबर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, तीसरा नंबर लिखेगा, प्रकाश के रंग पर, तीसरा नंबर प्रकाश के रंग पर, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, समान दूरी के, अगला क्वेश्चन, समान दूरी के ब्रैकेट में लिखिएगा फोकस दूरी, ब्रैकेट में फोकस दूरी मतलब कौन दूरी, तो फोकस दूरी ब्रैकेट बंद लिखिएगा, एक उत्तल लेंस एवं एक अवतल लेंस समान दूरी के, ब्रैकेट में फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस एवं एक अवतल लेंस अवतल लेंस को मिलाकर रखने पर, को मिलाकर रखने पर संयोजन की क्षमता कितनी होगी? मिलाकर रखने पर संयोजन की क्षमता कितनी होगी? संयोजन की क्षमता कितनी होगी? आंसर में लिखिएगा, एक वर्ड का ऑब्जेक्टिव आंसर आता है 0, 0। अब सवाल है कि 0 कैसे होगा, ये भी अगर किसी के मन में सवाल है तो आप खुद जवाब ढूंढ सकते हैं, क्यों 0 होगा, क्योंकि आपको बताए होंगे एक लेंस की फोकस लंबाई पॉजिटिव होती है, एक लेंस की फोकस लंबाई नेगेटिव होती है, जब दोनों को कांटेक्ट कीजिएगा तो पॉजिटिव, समान फोकस दूरी कह रहा है ना, दोनों एफ हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं?
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन। लिखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ऑप्शन में लिखिएगा ए नंबर नीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन लिखेगा ए नंबर नीले प्रकाश के लिए, बी नंबर लिखेगा हरे प्रकाश के लिए, बी नंबर लिखेगा हरे प्रकाश के लिए, सी नंबर लिखिएगा पीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, डी नंबर लिखिएगा लाल प्रकाश के लिए, डी नंबर लिखना है लाल प्रकाश के लिए। बोलिए किसका होगा आंसर, ए? ए। चलिए जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, चार नंबर ऑप्शन सही है डी नंबर। ए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दो लेंस जिनकी क्षमताएं, दो लेंस जिनकी क्षमताएं चार डायोप्टर चार डायोप्टर एवं माइनस दो डायोप्टर है, चार डायोप्टर एवं माइनस दो डायोप्टर है, चार डायोप्टर एवं माइनस दो डायोप्टर है, तो इनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, इनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, तो इनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। इनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, ऑप्शन में ए नंबर लिखेगा 50 सेंटीमीटर, बी नंबर लिखेगा 75 सेंटीमीटर, डी नंबर लिखेगा 25 सेंटीमीटर, डी नंबर लिखेगा 25 सेंटीमीटर, सॉरी सी नंबर 25, और डी नंबर लिखेगा 1 मीटर, डी नंबर लिखेगा 1 मीटर। चलिए बताइए, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। हमको नहीं पता बेटा,
चलिए एक मिनट देखो, आप इसको पावर ऑफ लेंस होता है पी वन प्लस पी टू हो जाएगा, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, चार प्लस क्या माइनस दो, तो क्या हो जाएगा दो क्या रे डायोप्टर, ठीक है ना। अब कहता है फोकल लेंथ लंबाई है, अब एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, पावर बराबर होता है वन बाय फोकल लेंथ, ठीक है ना। हमको निकालना है फोकल लंबाई, एफ बराबर जाएगा क्या वन बाय टू, कितना हो जाएगा एफ बराबर ये बटा जो एक बटे दो निकला, ये मीटर में निकला, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस लंबाई होता है वो मीटर में होता है, ठीक है ना। एक बटे दो किस में निकला, मीटर में निकला, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे एक बटे दो मिस्टर मीटर में, एक गुना एक सौ सेंटीमीटर बटे दो कितना हो जाएगा पचास, एफ बराबर कितना हो गया पचास, पचास सेंटीमीटर आंसर। यही चीज याद रखना है, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता है, जब भी इसमें फोकस लंबाई होगा मीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में भी दिया है आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। बस में आ गया ना, एक बार फिर से बता दें कि कल जो क्लास होगा, कल 11 10 कल 10 तारीख है ना, 11 हम परसों का बोल दिए, कल 10 तारीख है, 12 का क्लास कल 8 से 10 पढ़ाएंगे। कल बेटा जो क्वेश्चन कल बताए थे 2013 14 16 18 19 20 24 22 24 24 में भी पूछा गया है, यस। कन्फ्यूजन उसको है जिसको डॉट होता है, आप भले कन्फर्म मत रहिए, हमको कन्फर्म है एकदम 100%। बाकी अगर आपको विश्वास नहीं होता छोड़ दीजिएगा, भरोसा होता है पढ़ लीजिएगा। तो कल बेटा क्वेश्चन बताएंगे, ये भी बता दें, ये भी बता दें कि बेटा अपने से नहीं बनेगा वो, कल जो बताएंगे, हाँ कल क्लास में पढ़ाएंगे दोनों। तो अगर मान लीजिए कोई एक पढ़ भी लीजिएगा तो दूसरा जो है जब उतारने लगेगा तो पहले पहला का ही वीडियो देखिएगा, पहला का देखिएगा दूसरा आराम समझ में आ जाएगा, पहला नहीं समझिएगा दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। कल बेटा दोनों मिलता जुलता है, इसलिए हम सोचे कि एक ही दिन दोनों काम निकाल लेंगे। आपको दिक्कत होगा तो हम दो तीन चार बार बताएंगे, चार पांच बार समझाएंगे कल पूरा एकदम, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्लास में खाली याद कर लेना है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा और अपने से बनाइएगा, ये अपने से आपको आंसर लिखना है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। ओहो ये तो कैमरा उधर कर भी नहीं किया है। एक बार जो इस सवाल बताए हैं एक बार देख लीजिए बच्चे सब शुरू से, क्योंकि कैमरा उधर रखे हुए थे इधर देखे नहीं थे। ये देख लीजिए पावर दिया हुआ है, पावर लिख दिए माइनस कर दिए डायोप्टर हो गया, पावर निकालना है फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होता है, इसको इधर कर दिए वन बाई टू मीटर में आ गया, और फिर किस में आ जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्लस पांच डायोप्टर एवं प्लस पांच डायोप्टर एवं माइनस तीन डायोप्टर क्षमता के प्लस पांच डायोप्टर एवं माइनस तीन डायोप्टर क्षमता के
दो लेंस संपर्क में है, दो लेंस संपर्क में है, तो संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन लिखिएगा 40 सेंटीमीटर, ए नंबर लिखिएगा 40 सेंटीमीटर, बी नंबर लिखिएगा 50 सेंटीमीटर, सी नंबर लिखिएगा -40 सेंटीमीटर, डी नंबर लिखिएगा -50 सेंटीमीटर। कौन ऑप्शन होगा रे? बी नंबर लॉक कर दीजिए। कल याद रखिए, कल कितने बजे आना है? 8 बजे देवे करते हैं डेली, कौन नया थोड़े है। लेकिन अच्छा, इसमें कितने स्टूडेंट है जिसका 9 से 10 ट्यूशन नहीं है? नहीं है, चलिए बहुत बच्चे हैं। ठीक, चलिए।